अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू योर चैनल किचन विद सना। आज बन रही है बहुत ही मज़ेदार एग नूडल्स बगैर चिकन और बगैर वेजिटेबल के, लेकिन बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। आपने वीडियो को मुकम्मल देखना और रेसिपी को ट्राई करना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैन में मैंने लिया 1 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल। अगर आपके पास ना हो तो आप रेगुलर ऑयल ले सकते हैं। इसके साथ 1 टेबल स्पून ही मैंने लिया रेगुलर ऑयल, ये डालेंगे। ऑयल गर्म होने पे मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून फाइनली चॉप लहसुन। लहसुन को हल्का सा हम फ्राई करेंगे कि इसकी रास स्मेल ख़त्म हो जाए, ज़्यादा हमने इसे कलर नहीं देना है। लहसुन यहाँ पे हमारा फ्राई हो गया, तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी मैंने लिया 2 टेबल स्पून हरी प्याज। अगर आपके पास ये ना हो तो आप रेगुलर वाली प्याज ले सकते हैं, लेकिन फाइन चॉप करके वो डालेंगे। इससे भी थोड़ा सा हमने सौते करना है कि इसका पानी ड्राई हो जाए। प्याज हमारी फ्राई हो गई है, तो अब जाएंगे स्पाइसेस। 1/2 टीस्पून काली मिर्चें पिसी हुई, 1/2 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, थोड़ा सा इसमें ऐड करूँगी भुना हुआ ज़ीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक। स्पाइसेस की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट और फ्लेवर के हिसाब से रखेंगे। 1/2 टीस्पून इसमें जाएगा ओरिगैनो, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर और खुशबू आएगी। ये डाल के हम सारे स्पाइसेस को मिक्स करेंगे और तकरीबन 30 सेकंड्स तक हल्की आंच पे हमने इसे कुक कर लेना है कि इसकी अच्छी सी खुशबू आने लगे। स्पाइसेस के बाद मैं इसमें ऐड करूंगी चिली गार्लिक केचप, ये मैंने 1 टेबल स्पून। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी नहीं पसंद तो आप रेगुलर केचप डाल सकते हैं। केचप डालेंगे, साथ ही थोड़ा सा फ्रेश हरा धनिया चॉप किया हो जाएगा और ये हमारे स्पाइसेस तैयार हैं। अब इसमें मैं ऐड करूंगी नूडल्स, मैंने लिया था 1/2 पैकेट एग नूडल का और इसे नॉर्मल बॉईल कर लिया था। तो नूडल्स डाल के इसे खूब अच्छा सा स्पाइसेस में मिक्स करेंगे। सॉस में 1 टेबलस्पून सोया सॉस और 1 टेबलस्पून ही मैं इसमें ऐड करूंगी चिली सॉस। सारे स्पाइसेस सॉस बिल्कुल रेगुलर हमारे घरों में इजीली मौजूद होते हैं। जब भी कुछ अच्छा मज़े का चटपटा खाने की क्रेविंग हो तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए। ये देखें जी, हमारी रेसिपी रेडी हो गई है। लास्ट में मैंने इसमें डाला 1/2 टीस्पून तिल डाले हैं, सफ़ेद वाले तिल, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और अब मैं इसे सर्व करूंगी और आपको दिखाऊंगी मज़ेदार सी बगैर चिकन बगैर वेजिटेबल के क्विक सी रेसिपी, बहुत ही टेस्टी एग नूडल्स। मसाला एग नूडल्स हमारी बिल्कुल रेडी है, थोड़ा सा गार्निश करेंगे हरे धनिया के साथ। और ये देखें जी, हमारी टेस्टी सी रेसिपी रेडी है। झटपट से बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बनाएं या बच्चों को रात में हो क्रेविंग, तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि ये झटपट सी रेसिपी आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला हमें आसानी अता फरमाए।